अंजनी सरोज जी हमारे साथ हैं। सर, बैठक आज है, क्या कुछ होने वाला है आज की बैठक में? आज पार्टी विधानमंडल की बैठक है, उसमें सभी हमारे MLA MLC भाग लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश देंगे। जैसा वो दिशा निर्देश देंगे, पार्टी नीति निर्देशन तय करेगी, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आपके नाम की चर्चा है नेता विरोधी दल को? हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, ना ही लोभ है, ना लालच है, ना पद की लालसा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी जिम्मेदारी देंगे उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। तो अगर मौका मिलता है तो आप क्या कुछ चीज़ें? हमने कभी पद को नहीं दिया तवज्जो, जो है हम व्यक्ति को और पार्टी को तवज्जो देते हैं। व्यक्ति के रूप में, नेता के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता है और पार्टी कहीं ना कहीं है। और भाजपा में इसीलिए बहुत प्रलोभन दिया गया, हम लोग भाजपा में नहीं गए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी पार्टी में। से बड़े नेता हैं सर, आप अगर वहां पहुंचते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो एक बड़ी देखिए शिवपाल यादव सहित तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, चाहे जिसको छोटा बना दे चाहे बड़ा बना दे। अंतर कलह पर क्या कहेंगे? डिप्टी CM साहब हमारे जिले के रहने वाले हैं, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को लालसा है शुरू से कि मुख्यमंत्री पद हम हासिल करेंगे। उनके लिए दूर की कौड़ी है। और हमने गांव में एक कहावत सुनी थी जो है जी, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, लेकिन चंद्रमा बहुत दूर है जो हूँ। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ इंद्रजीत सरोज, कहीं ना कहीं तंज करता है केशव मौर्य पे, और ये उन संभावित चेहरों पे सबसे ऊपर कहे जाए तो गलत नहीं होगा जिन्हें नेता विरोधी दल बनाया जा सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।